अररिया के फॉरबिसगंज में प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख ने पदभार ग्रहण कर लिया है। आरजेडी के जिलाध्यक्ष सुरेश पासवान और उप प्रमुख के पद पर हसीबुर रहमान काबिज हो गए हैं। नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख ने सभी पंचायत समिति सदस्यों की मौजूदगी में कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर साम्या आर्या नाम की छोटी बच्ची ने फीता काटकर प्रमुख और उप प्रमुख को उनके कार्यालय में प्रवेश कराया है। इस मौके पर फॉरबिसगंज बीडीओ राजकिशोर प्रसाद शर्मा, बीपीआरओ वीरेंद्र कुमार दास ने बुके भेंट कर प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी हैंडओवर किया है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक जाकिर हुसैन खान भी शामिल हुए। उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को बधाई दी है और इलाके के लिए बेहतर कार्य करने की उम्मीद जताई है। वहीं दोनों प्रतिनिधियों ने इस नई पारी के लिए सभी 45 पंचायत समिति सदस्यों का आभार जताया है। प्राथमिकता तो यही रहेगी कि हमारे जो जनता हम पर जो विश्वास किए हमारी समिति पर, 45 समिति के सहयोग से प्रखंड में एक अच्छा शासक प्रशासक देने का काम करेंगे। हमारे जो आम जनता है, जो देश का रीढ़ है, जो उनका समस्या है, सबसे पहला प्राथमिकता हम किसान को देंगे, विद्यार्थी को देंगे, ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़े और छोटा छोटा काम के लिए 10 दिन नहीं आना पड़े। पहला प्राथमिकता रहेगा जनता की, डायरेक्ट हित की जहाँ बात रहेगी पहले वो समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। सबों का सहयोग से, सभी समिति का सहयोग से। SDO साहब का आदेश था कि 10 सीट पर एक आदमी को एक ही बोरा मिलेगा, ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ किसान बड़े किसान भी हैं, लघु किसान भी हैं। अगर एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ में उसमें अगर गेहूँ लगाया है तो उसको कम से कम 10 से 15 बोरा चाहिए एक सीजन में, एक पटवन के बाद। तो हम लोग यही है कि जो जैसा किसान है उसका चिन्हित हमारे किसान सलाहकार करेंगे, क्योंकि वो ग्रामीण जहाँ उनका घर है उसी एरिया को किसान है, और हमारे जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं ये लोग जाके, हमारा विचार है कि एक तो उसमें हम लोग कमेटी गठन करें, सही किसान को खाद भी उपलब्ध हो, खाद कम से कम खाद, ताकि किसान मरे नहीं, किसान परेशान नहीं हो, लाइन में लगता है खाद नहीं मिलता, घर आता एक्सीडेंट हो जाता है उसका, मर जाता है। अभी मझवा का घटना भी जान विश्वास 4 दिन पहले खाद ले गया नहीं मिला, मर भी गया बेचारा। तो ये देश हमारा जय जवान जय किसान का देश है, इस हाल में हम लोग किसान को मरते हुए देखना नहीं पसंद करते हैं। हम पदाधिकारी से मांग करते हैं, जिलाधिकारी से मांग करते हैं, फारसन प्रखंड की जो दिशा है उसमें आप सुधार लावें और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया खाद मुहैया करावें। ये हम लोग प्रखंड स्तरीय मीटिंग में, अभी तो खैर अचानक हुई थी, हमने कहा था कि आज करेंगे क्योंकि किसान परेशान है, तो हम लोग चैन से रहने वाले कहाँ हैं। और मैं किसान सलाहकार सबसे भी यही कहना चाहता हूँ, कल क्या हुआ नहीं हुआ वो मैं नहीं जानता हूँ, आप प्रखंड के अंग हैं, किसान के अंग हैं, आपको सच्चे लगन से ईमानदारी के साथ किसान के हक में काम करनी चाहिए, तब आपको लगेगा कि ना हम कुछ कर रहे हैं। जिस हाल में अभी किसान है पूरे जिला में, पूरे बिहार में हाहाकार मच रहा है, तो हम यहाँ से लेके आला अधिकारी से भी मांग करते हैं किसान की जो समस्या है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको दूर करने का आग्रह करता हूँ।